दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में 2020 में जो नीट की काउंसलिंग होगी उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन सी ऑथराइज्ड वेबसाइट है जहां पे आपको विजिट करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, कितने राउंड की काउंसलिंग होगी, फीस कितनी होगी, ये सारी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब बने रहिए मेडिका बैंक के साथ। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं 2020 में नीट की जो काउंसलिंग होगी वेस्ट बंगाल के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, वेबसाइट कौन सी होगी। शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, बैकग्राउंड में आप इस वक्त देख सकते हैं जो आपको वेबसाइट विजिट करनी है, दैट इज़ wbmcc.nic.in। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग ऑफ मेडिकल, आइदर इट इज़ PG, इधर आयुष और सुपर स्पेशलिटी, या फिर UG मेडिकल की अगर हम MBBS या BDS की बात करें तो भी आपको यही वेबसाइट विजिट करनी है। दिस इज़ द ऑथराइज्ड वेबसाइट फॉर वेस्ट बंगाल मेन कंप्यूटराइज्ड काउंसलिंग, दैट इज़ WBMCC। ओके, ये काउंसलिंग यहाँ पर होगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स तीन ऑप्शन है आपके पास, एक आ जाता है PG मेडिकल डेंटल काउंसलिंग का, एक UG मेडिकल काउंसलिंग का, आयुष काउंसलिंग का। UG मेडिकल काउंसलिंग अब भी लॉक है, 2020 में वेबसाइट अपडेट हुई है लेकिन अभी लॉक है, क्योंकि PG मेडिकल काउंसलिंग ऑलरेडी ओपन है, इस वक्त चल रहा है। जैसे ही UG मेडिकल की कोई भी अपडेट आएगी काउंसलिंग के नीट रिजल्ट के बाद, वो यहाँ पे अपडेट होगा। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही इसकी डेट्स आएंगी, डेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स नीट के रिजल्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, उसमें आपका इस तरह से कुछ साइट ओपन होकर आएगी wbmcc.nic.in में, और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, न्यूज़ इवेंट्स, नोटिस एंड डाउनलोड, ये सारे ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में एप्लीकेशन फॉर प्री काउंसलिंग एंड फी पेमेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए जो एप्लीकेशन करना होगा वो यहाँ से आएगा। कैंडिडेट लॉगिन, व्यू ट्रांजेक्शन, स्लिप जनरेशन, ये सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और अगर आप यूज़र मैनुअल फॉर प्री काउंसलिंग और यूज़र मैनुअल फॉर काउंसलिंग या आप डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या स्टेप होंगे, पहला स्टेप क्या होगा लॉगिन करने के बाद, दूसरा क्या होगा, थर्ड क्या होगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो PDF अपडेट होगी। यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, राइट। प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिंपली फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर प्री काउंसलिंग एंड ऑनलाइन फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मैनुअल, और उसके बाद एलिजिबल लिस्ट एंड सीट मैट्रिक्स पब्लिकेशन होगा राउंड वन का, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस। WBMCC में रजिस्ट्रेशन होगा फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की अगर हम बात करें तो ये 1000 रुपीज़ नॉर्मली होता है 2020 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल के लिए। डिपेंड करेगा कि ये फ़ीस कितनी होगी, अराउंड 1000 के आसपास रहने वाला है। और इसके अलावा सीट अलाटमेंट प्रोसेस होगा राउंड वन का, जब लॉकिंग ऑफ चॉइस हो जाएगा। लॉकिंग चॉइस में फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है जानना कि कौन सा कॉलेज आपको लॉक करना है, कौन सा नहीं करना है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कट ऑफ जाती है डिफरेंट कॉलेजेस की 2019-18 में, वो हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की और दूसरे कॉलेजेस की, वेस्ट बंगाल की हमने अपलोड कर रखी हैं, आप अपने रेफरेंस के लिए वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास डाउट होता है कि सर मेरे नंबर इतने आते हैं तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मुझे प्रेफरेंस वाइज लॉक करना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज आप प्रेफरेंस वाइज लॉक करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, वही कॉलेज आपको सीट अलॉटमेंट होता है। तो बहुत ही आपको चूजी होना है, बहुत ही स्पेसिफिक आपको चॉइस को लॉक करना है। चॉइस लॉक करने के लिए फ्रेंड्स एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग इशू करेंगे नीट 2020 का रिजल्ट आने के बाद, तब आप हमें कॉन्टैक्ट करके चॉइस के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे चॉइस लॉकिंग के लिए, राइट। खैर, इसके बाद रिजल्ट पब्लिकेशन राउंड वन का होगा, रिपोर्टिंग ऑफ एडमिशन इन अलॉटमेंट इंस्टीट्यूशन राउंड वन, ठीक है। पहले आपको जब अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे जाके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। एप्लीकेशन फॉर प्री काउंसलिंग ऑनलाइन फी पेमेंट वी हैव नॉट डन इन राउंड वन। उसके बाद राउंड टू का शुरू होगा, जिन्होंने राउंड वन में नहीं किया था फिर उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, रिपोर्टिंग होगी, कॉलेज में एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फॉर प्री काउंसलिंग एंड ऑनलाइन फी पेमेंट वी हैव नॉट डन इन राउंड वन एंड राउंड टू। राउंड वन राउंड टू के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती है
वेस्ट बंगाल में, देन मॉपअप राउंड होगा, और मॉपअप राउंड होने पर भी उस समय भी रजिस्ट्रेशन होगा। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नए कैंडिडेट होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड होने के बाद भी फ्रेंड्स अगर सीट खाली रह जाती है तो उस केस में कॉलेज के लेवल पे एक कॉलेज लेवल मॉपअप होगा, और वहाँ से फिर जो बची हुई सीट होगी कॉलेज की उसको फिल किया जाएगा, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन काउंसलिंग का। वेस्ट बंगाल MCC WBMCC.NIC.IN का और वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग का आप सारे इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। दिस इज़ WBMCC.NIC.IN। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट है, आप हमें स्क्रीन पे जो नंबर है वीडियो के स्टार्टिंग में, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के बाद, वीडियो के बारे में आप हमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके क्वेश्चन का एक इन्फॉर्मेटिव आंसर देंगे। नेक्स्ट हम लोग अपलोड करने वाले हैं बाकी के स्टेट्स का, लाइक गुजरात नीट काउंसलिंग और MP नीट काउंसलिंग, UP, बिहार, इन सब का हम लोग अपडेट करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, ताकि फ्यूचर के जो नीट 2020-2021 के जो अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।